अ वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस। तो बच्चों, आज देखिए हम स्टार्ट करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। थर्ड चैप्टर है ये, थर्ड क्लास का बच्चों, देखिए कंप्यूटर का। कंप्यूटर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के आधार पर काम करता है ना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम निर्देशों का समूह और एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है, जिसकी सहायता से हम कंप्यूटर पर कार्य करते हैं। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को हमारे आदेशों को ग्रहण करके उसके अनुसार कार्य करने के लिए तैयार करता है। ठीक है, आप देखिए बड़े बड़े कंप्यूटर सिस्टम जो होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को अधिक काम करना पड़ता है ना। इसमें अनेक तरह की डिवाइसेस लगी होती हैं, जिस कंप्यूटर पर अनेक यूज़र साथ में काम कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम यह सुनिश्चित करता है कि यूज़र और सभी डिवाइस बिना एक दूसरे के कार्य में बाधा डाले हुए सही प्रकार से कार्य कर पाएं। तो देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार कौन कौन से होते हैं। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और विंडोज़। तो पहला हम करते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, GUI जिसे भी हम कहते हैं। यह प्राय कंप्यूटर माउस तथा किसी अन्य पॉइंटिंग डिवाइस से चलता है। GUI ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं, जैसे कि एप्पल सिस्टम 7 है, एप्पल MKOS है। आप देखिए, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम ये क्या होता है ना। ग्राफिकल यूज़र्स के बारे में तो हमने पढ़ लिया कि ग्राफिकल यूज़र्स में क्या होते हैं, आइकन होते हैं और ग्राफिक्स होते हैं। ठीक है, मल्टीपल देखिए क्या होता है। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही समय में अथवा अलग अलग समय में कई यूज़र्स को एक ही कंप्यूटर पर प्रयोग करने की अनुमति देता है। मतलब कि आप एक ही यूज़र जो, मतलब बहुत सारे जो यूज़र हैं वो एक ही समय में बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो कंप्यूटर पे कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि लिनक्स है, यूनिक्स है, और विंडोज़ 2000 है, 2003 है, 2008 है, एंटी है ना। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम देखिए, इसकी सहायता से हम एक ही समय में कई प्रोग्राम चलाए जा सकते हैं इसमें, जैसे यूनिक्स है, विंडोज़ 2000 है, XP है, विस्टा है ना। तो ये सारे जो हैं ये मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के ही उदाहरण हैं, है ना। अब देखिए विंडोज़ सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाली ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ है। आप जब भी कंप्यूटर चालू करते हैं तो कुछ समय पश्चात आपको चित्र के अनुसार एक विंडो फ्लैग दिखाई देगा, है ना। तो ये क्या होती है, आपकी विंडोज़ होती है ना। और देखिए डेस्कटॉप क्या होता है कि डेस्कटॉप पर पाए जाने वाले छोटे छोटे चित्र आइकन कहलाते हैं, और डेस्कटॉप जब कुछ समय पश्चात जब स्क्रीन स्थिर हो जाती है तो कंप्यूटर डेस्कटॉप का मुख्य पृष्ठ आपको दिखाई देने लग जाता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए आज के लिए हम डेस्कटॉप यहीं तक पढ़ेंगे, और आइकन्स के बारे में जानेंगे हम, फाइल्स के बारे में जानेंगे, ठीक है, ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपके लिए बच्चों देखिए होमवर्क है कि इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति जो आपको दिए गए हैं इसमें, और सही कथन पर सही और गलत पर गलत का निशान लगाएंगे। ये आपको खुद से सर्च करने की कोशिश करनी है और करना भी है साथ में। साथ में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की इमेज बनानी है, ठीक है, जो आपको इसमें दिखाई गई है।